अस्सलाम वालेकुम, एसएस किचन में वेलकम करते हैं। मैं बना रही थी अभी मटन कलेजी, तो सोचा कि आपके साथ रेसिपी शेयर कर लूं। और मैंने ये क्या कर दिया कि जैसे मैंने क्या किया है, सबसे पहले तेल चढ़ाया 1 कप ऑयल, और उसके अंदर मैंने डाल दी कलेजी, मटन कलेजी, और उसके साथ ही मैंने बिल्कुल उसी के साथ ही फ़ौरन से डाल दिया मैंने लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, मोटा मोटा कुटा हुआ ये मैंने डाल के। अब इसको ये देखिए तकरीबन 5 मिनट से भुना है, इस तरह से पानी भी छूट के आ गया है इसका। तो इस स्टेज पर अब हम इसमें डालेंगे सारे स्पाइसेस जो के हैं, हल्दी, ये देखिए 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून क्योंकि हरी मिर्च का पेस्ट जा चुका है तो ये जाएगा, और इसमें पिसी हुई लाल मिर्चों का पाउडर नहीं जाएगा क्योंकि कुटी हुई लाल मिर्च और हरी मिर्च काफ़ी रहेगा इसमें, और ये है धनिया पाउडर भर के, ये भी चला गया। और साथ में ही अब हम इसमें डालेंगे और साथ ही साथ हम इसमें डालेंगे नमक। आप सोच रहे होंगे कि मैंने वीडियो बीच में से स्टार्ट कर दिए, तो बिल्कुल मैंने बीच में से स्टार्ट किया। एक्चुअली मैं इसको अपलोड करने के मूड में भी नहीं थी, पर फिर अचानक से ख्याल आया कि चलें डाल ही देती हूँ जब इतना बना रही हूँ, तो मैं इसलिए अब इसको मैंने ना खाली भूना ही था लहसुन और हरी मिर्च के पेस्ट के साथ, इसको मैंने खाली भूना ही है और तेल में, बाकी मैंने कुछ नहीं किया। आप बाकी स्पाइसेस मैंने आपके सामने ही डाले हैं, हल्दी हो गई, कुटी लाल मिर्च हो गई, धनिया पाउडर हो गया और ये नमक, तो ये मैंने आपके सामने डाल दिया है। अब इसकी आंच मैंने तेज़ कर दी है, इसको हमने इसका पानी खुश्क करना है। टमाटर भी मैंने अभी डालना है इसके अंदर, तो ये मैं इसमें अभी टमाटर ऐड करूँगी, 3 अदद बड़े बड़े टमाटर क्योंकि कलेजी है 3 पाव कलेजी है ये, जिसकी वजह से इसमें टमाटर ज़्यादा जाएंगे 3 अदद, क्योंकि मैं दही का इस्तेमाल भी नहीं कर रही हूँ। और नमक मैंने अभी आपके सामने इस स्टेज पर डाला है जब कलेजी को भुने हुए तकरीबन लहसुन और हरी मिर्च के साथ तकरीबन भुने हुए उनको 5 मिनट हो चुके थे, उसके बाद मैंने नमक डाला है। उसकी वजह ये है कि कलेजी उससे कड़क हो जाती है नमक से अगर हम शुरू में ही डाल देंगे, तो हमें नमक बीच में डालना चाहिए भुनने के बाद या एंड में, तो कलेजी कभी भी आपकी कड़क नहीं बनेगी अगर आप पहले डालते हैं। दोबारा कभी ना डालिएगा ताकि कलेजी आपकी सॉफ्ट बने। तो चलिए अब इसके ऊपर हम जो है ढकना लगा के इसको रखते हैं, पकाते हैं तब तक। तो देखिए मैंने इसके ऊपर लिड लगा के रख दिया है, अब इसको हम टमाटर के गल जाने तक पकाएंगे और फिर उसके बाद चेक करेंगे। तो ये देखिए अब ये टमाटर सॉफ्ट हो गए, अब इसका ढकना हटाकर हम इसको तेज़ आंच पर भूनते रहेंगे ताकि इसका ये जो पानी है ये ड्राई हो जाए, और उसके बाद इसको हम भूनने के बाद कसूरी मेथी और पिसे हुए गरम मसाले के साथ डालकर सर्व करेंगे। तो ये देखिए तेल बाहर आ चुका है, कलेजी अच्छे से भून चुकी है। आप इसकी ग्रेवी खाली चेक करें, ये ग्रेवी कितनी ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी बनी हुई है, स्मूद एंड फाइन। तो इसी तरह की ग्रेवी आपकी भी आएगी अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे। अब एंड में हम इसके तेल छूट जाने के बाद एंड में इसमें डालेंगे थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला, और साथ ही साथ हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, ये बहुत ज़रूरी है कलेजी में, इसका मेन इंग्रेडिएंट है ये, आप ये ज़रूर डालिएगा। और इसके बाद हम इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए ही कुक करेंगे, और इसके बाद हम इसका फ्लेम ऑफ करके आपको सर्व करके दिखाते हैं। तो ये देखिए कलेजी रेडी हो चुकी है, मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है, अब इसको हम सर्व करेंगे। अगर कलेजी को आप ज़्यादा भूनेंगे, ज़्यादा पकाएंगे तो उससे भी कलेजी हार्ड हो जाती है, तो आपने ये बातों का दो बातों का ख्याल रखना है कि एक तो आपने इसकी ज़्यादा भुनाई नहीं करनी, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, ओवर कुक करने से कलेजी हार्ड हो जाती है। दूसरी बात ये कि जब नमक डालने का नमक आपने तब डालना है जब कलेजी भून चुकी हो, उसके बाद आपने उसके अंदर नमक ऐड करना है, तो इंशाल्लाह ज़रूर सॉफ्ट बनेगी, हार्ड नहीं होगी।
तो लीजिए मज़ेदार कलेजी तैयार है, भुनी हुई कलेजी। आप मेरी इस रेसिपी को ईद में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको यकीनन बहुत मज़े की लगेगी। और फिर उसके बाद मुझे कमेंट कर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरे नए देखने वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। अगली रेसिपी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।